हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेमचंद स्टडी जीके। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 2022 के सभी नोबेल पुरस्कार। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार हर साल किसकी याद में दिया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सावंते पाबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावंते पाबो को 2022 का नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयोग सभी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, मेडिसिन कैटेगरी का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के सावंते पाबो को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार जीनोम और मानव विकास से संबंधित रिसर्च के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केरोलिस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, डेविड जूलियस आर्डेन पेटामोटियम। इन दोनों को 2021 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट, साल 2021 का चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से डेविड जूलियस और आर्डेन पेटामोटियम को सम्मानित किया गया था। इन दोनों शोधकर्ताओं को शरीर के तापमान, दबाव और दर्द देने वाली रिसेप्टरों की खोज करने के लिए पुरस्कार दिया गया था। दोनों नोबेल विजेता अमेरिका के हैं। डेविड जूलियन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में किन 3 व्यक्तियों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, एलन एस्पेक्ट, एटोन जिलिगर, जॉन क्लाउसर। इन तीनों को 2022 का भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन तीनों वैज्ञानिकों को पुरस्कार क्वांटम इन्फॉर्मेशन साइंस और फोटोन्स रिसर्च के लिए दिया गया है। एलन एस्पेक्ट फ्रांस के हैं और वो पेरिस और इसकेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। जॉन एन क्लाजोर अमेरिका रिसर्च में प्रोफेसर है। एंटोन जिलिगर ऑस्ट्रिया की वीना यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और रिसर्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विलहम कॉनगेट गोटजन। इम्पोर्टेंट पॉइंट, भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में जर्मनी के विलहम कॉनगेट गोटजन को दिया गया था। 1956 और 1972 में 2 बार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जॉन बर्दिन एकमात्र पुरस्कार विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, कैरोलिन आर बटोरजी एक महिला, कार्ल बेरी सोरप्लेस, मार्टिन पी मेडल। ये दोनों पुरुष है और एक महिला है। इस साल रसायन के क्षेत्र में कुल 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रसायन में नोबेल पाने वाले वैज्ञानिकों में अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कैरोलिन बटोरजी का
डेनमार्क के कोपेंगन विश्वविद्यालय के मोर्टेन मेडोल्ड, अमेरिका के स्क्रिप रिसर्च के बेरी सोर्सप्लेस को यह सम्मान दिया गया है। बेरी सोर्सप्लेस और मोर्टेन मेडोल्ड ने केमिस्ट्री के फंक्शन फॉर्म क्लिक केमिस्ट्री की नींव रखी है। कैरोलिन बेटोज ने क्लिक केमिस्ट्री को एक नए आयाम तक पहुँचाया है और जीवित जीवों में इसका उपयोग करना शुरू कर दिया है। हेडविग सेंगर एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता जिन्हें 1958-1980 में दो बार रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, बेंजामिन लिस्ट, डेविड डब्ल्यू सी मैकलिन। इम्पोर्टेंट पॉइंट, अणुओं का निर्माण एक कठिन कला है। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकलिन को आणविक निर्माण के लिए एक सटीक नए उपकरण विकास के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लेखिका एनी अर्नेक्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस साल साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रांस की लेखिका एनी अर्नेक्स को दिया गया है। एनी बहुत आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात करती है। उनके लेखन में सांस के साथ संवेदना भी नजर आती है। उन्होंने हर वर्ग और तबके को अपने लेखन में समेटा है। 82 साल की एनी ने करीब 40 किताबें लिखी है। इनमें से 90% फ्रेंच में, कुछ का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। इनमें पैशन सिंपल, ला पैलेस, द ईयर, ए फ्रोजन वूमन, हैव किंग्स, डू व्हाट और द एल्स शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल गजाक गुलना। उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृति के महाद्वीपों के बीच खाई में शरणार्थियों के भाग्य के अपने अर्डिंग और करुणा में प्रवेश के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल। इम्पोर्टेंट पॉइंट, नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट सहित करीब 355 आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में किन दो संगठन और एक व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, आलिस ने 1980 में बेलारूस की तानाशाही के खिलाफ डेमोक्रेसी मूवमेंट का आगाज किया था। वो आज तक अपने ही देश में सच्चा लोकतंत्र बहाल करने की जंग लड़ गए हैं। रूस यूक्रेन जंग में बेलारूस के राष्ट्रपति लुकांसी के व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़े हैं। आलिस ने विशाना नाम का एक संगठन तैयार किया है। यह ऑर्गेनाइजेशन जेल में बंद लोकतंत्र समर्थनों को कानूनी मदद मुहैया कराता है। 2011 से 2014 तक आलिस जेल में रहे। 2020 में उन्हें फिर अरेस्ट कर लिया गया और अब जेल में। दूसरा है ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल रूस। इसकी स्थापना 1987 में। इसके फाउंडर मेंबर्स में नोबेल पीस प्राइज विजेता एंद्रे शुकारेव और ह्यूमन राइट्स एडवोकेट स्वेताना मुगुनिसा का भी थी। तीसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। इसकी स्थापना 2007 में हुई। यूक्रेन की राजधानी कीव में 2007 में बना था। मकसद यूक्रेन में लोकतंत्र को मजबूत करना था। इस संगठन का कहना है कि यूक्रेन में अब भी सही मायनों में लोकतंत्र मजबूत नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन की मांग है यूक्रेन को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस साल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए फेडरल रिजर्व के पूर्व चेयरमैन समेत अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों को चुना गया है। उन्हें बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए यह पुरस्कार दिया गया है।
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले को 1 करोड़ स्वीडिश कोनर लगभग 9 लाख अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार 10 दिसंबर को विजेताओं को दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार आर्थिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए गतिशील मॉडल का विकास करने और उसे लागू करने के लिए नॉर्वे के रेग्ने प्रिस्ट और हॉलैंड के जॉन टिनबर्गन को 1969 में अर्थशास्त्र विज्ञान का प्रथम नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग द्वारा यह चुनी गई 5 सदस्यीय समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, नोबेल शांति पुरस्कार ही एकमात्र पुरस्कार है जो स्कॉटलैंड में नहीं दिया जाता। इस पुरस्कार को 10 दिसंबर को नॉर्वे के राजा की उपस्थिति में ओस्लो में अल्फ्रेड नोबेल की मौत की सालगिरह के मौके पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार अब तक कितने भारतीयों को दिया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 10 भारतीयों को दिया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, रविंद्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर वेंकटरमण, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, हरिगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकटरमण राधाकृष्णन, वीएस नायपाल, अभिजीत बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला कौन सा है? चिकित्सा, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर को। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में की जाती है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर 1901 को। इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में हेनरी ड्यूनेट को स्विट्जरलैंड और फ्रेडरिक पेसिप फ्रांस को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। इम्पोर्टेंट पॉइंट, पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल दिसंबर में स्टॉकहोम स्वीडन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मैडम क्यूरी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैडम क्यूरी को 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1911 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार 2 बार कितने व्यक्तियों को दिया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कुल 4 व्यक्तियों को दिया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब तक 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। मैडम क्यूरी को 1903 फिजिक्स के क्षेत्र में, 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में, जॉन बर्डिन 1956 में फिजिक्स के क्षेत्र में, 1972 में
फिजिक्स के क्षेत्र में, हेडविग सेंगर 1958 केमिस्ट्री के क्षेत्र में, 1980 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में, लिनस पॉलिंग 1954 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में, 1962 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने मृत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 2 व्यक्तियों को। इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एडी एक्सल कार्ल फेल्डर को 1931 में दिया गया, दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डेग एमरसोल्ड को 1961 में दिया गया था। 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले पुरुष व्यक्ति कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लिनस पॉलिंग। इम्पोर्टेंट पॉइंट, लिनस पॉलिंग को 1994 में साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1962 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मलाला यूसुफ पंजाई। मलाला यूसुफ पंजाई को 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति की याद में हर वर्ष दिया जाता है? इसका सही उत्तर है अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ की खोज की थी? सही उत्तर है डायनामाइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? ये स्वीडन देश के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म किस वर्ष में हुआ था? सही उत्तर है 21 अक्टूबर 1833 को। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुई? इसका सही उत्तर है 10 दिसंबर 1899 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही उत्तर है 6 क्षेत्रों में। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय, रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। सर चंद्रशेखर वेंकटरमन जी को 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन और उसके प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से दिया गया। मदर टेरेसा जी को 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अमर्त्य सेन जी को 1998 में अर्थशास्त्र और सामाजिक न्याय, अकालों के सिद्धांत और कल्याणकारी अर्थशास्त्र में किए गए उनके शोध के कारण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कैलाश सत्यार्थ जी को 2014 में बच्चों और युवाओं के दमन के विरुद्ध उनके शिक्षा और अधिकारित्व संघर्ष के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। हर गोविंद खुराना जी को 1968 में प्रोटीन संश्लेषण, अनुवांशिक कोड की व्याख्या और उसके कार्य के लिए मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को 1983 में तारों की संरचना और विकास के महत्व, भौतिक प्रक्रिया के सिद्धांत और अध्ययन के लिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वेंकटरमन राधाकृष्णन जी को 2009 में राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 2019 अभिजीत बनर्जी को 2019 में वैश्विक गरीबी कम करने की दिशा के लिए प्रयास और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया।